हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक मिसेस काजल चौधरी ब्लॉग। तो आज की गुड मॉर्निंग हो रखी है, काजल नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी है। आजकल मैं बहुत सुधर गई हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। आजकल मैं नहा धोकर वीडियो बनाती, पहले मैं ना सुबह उठते ही कैमरा पकड़ लेती थी, चलो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलहाल आज की अपडेट ये है कि खाना मैंने बना लिया है सारा, मैं आप लोगों को एक बार खाना दिखा देती हूँ, ठीक है। खाना तो मैंने बना लिया, खाने में मैंने क्या क्या बनाया है देखो। सबसे पहले आलू का भरता, इसमें है दाल, इसमें है चावल, और अभी मुझे आटा लगाना है। मैं एक बार आटा लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतना सारा काम कर क्यों रही हूँ। तो कर क्यों रही हूँ, एक रीज़न तो होगा ना, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इतना घर का काम नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ पे अमरू भैया थे, वो घर का काम संभालते थे, तो आज मैं कर रही हूँ, तो मतलब कुछ तो रीज़न है। तो चलो एक बार मैं आटा लगा दूँ, आटा लगाते लगाते फिर अपन बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं मैं काम क्यों कर रही हूँ। पहले मैं आई बार आटा निकाल देती हूँ आटा लगाने के लिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यार वैसे कुछ भी कहो, अपन अगर अर्ली मॉर्निंग नहा लेते हैं तो बॉडी एकदम फ्रेश रहती है। अब इस बात का मैं सबूत देती हूँ आप लोगों को कि सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है। आटा मैंने ले लिया है, तो चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं काम क्यों कर रही हूँ। तो मैं आटा लगा लेती हूँ, और मैं आपको बता रही थी कि मैं काम इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारे अमरू भैया थे, जो हमारा चौका वाला, मतलब हम आप चौका वाला बोलते हैं, तो वो खाना वाना बनाते थे, आप लोगों ने वीडियो में देखे तब, वही घर का काम करते थे। तो वो घर चले गए हैं, हाँ जी वो घर चले गए हैं, और सारा काम मुझे ही करना है। लेकिन यार एक मैं ना एक जो बोलते ना प्रैक्टिकल बात मैं आपको वो बताती हूँ। देखो हर घर में सर्वेंट होता है, हर आदमी ये चाहता है कि हम अच्छे से रहें, रेस्ट से रहें, है ना। तो मैं देखो आप लोगों को बता देती हूँ कि आदमी जब खुद साफ सफाई करता है ना, बहुत क्लीन रहता है घर, बहुत रहता है, और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। देखो कितने बज रहे हैं अभी, 11 बज रहे हैं शायद, है ना, और मेरा 10 बजे सारा काम फ्री हो चुका है, जिसमें कि मैं 6 बजे उठती हूँ, मतलब 5:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है, क्योंकि हमारे पीछे मंदिर है तो उसमें आवाज होती है। तो मैं गाइस घर का काम इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारे अमरू भैया हैं वो गांव चले गए हैं, तो गांव वो इसलिए गए हैं, उनको जाना तो 19 तारीख को था, बट वो 10 दिन पहले चले गए क्योंकि उनके घर में उनके बड़े भैया की डेथ हो गई है। सो मेरे को बहुत बुरा लगा, और आई होप आप लोगों को भी बुरा ही लगेगा सुनकर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। पर देखो जो इस दुनिया में आया उसको जाना तो है, चाहे वो आप हो या फिर मैं हूँ। तो आटा मैंने एकदम लगा लिया है, और देखो कई जैसे बोलते हैं ना कि खुद काम करते तो हजार काम याद आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ आटा लगा लिया। और देखो अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा सडनली मन कर रहा है कि मैं रायता भी बनाऊंगी, तो अब मैं रायता बना लेती हूँ थोड़ा सा अपने लिए, क्योंकि सूरी छाछ पीता नहीं है, और जो एक दो लोग छाछ नहीं पीते, मैं और मेक मासा जी हैं हमारे, वो ही छाछ पीते हैं, तो हम दो मेम्बर के हिसाब से रायता बना लेते हैं। रायता मेरे को तो छाछ पीना इतना पसंद है, सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को, मुझे तो सच में बहुत पसंद है छाछ पीना, अच्छा लगता है यार छाछ पीना। यार मैंने कितना अच्छा रायता बनाया है देखो, बहुत टेस्टी रायता है, बहुत कुछ भी हो मैं कुक बहुत अच्छा कर लेती हूँ, अच्छा अच्छा खाना बना लेती हूँ मैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इडली बनाऊं, और इडली करने का मैं ट्राई करूं, तो देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता, हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते। पूरा दिन निकल गया, 2:30 बज रहे हैं, सूरी अब आया खाना खाने, सूरी ने खाना खा लिया, मेरा किचन का काम बहुत लेट हुआ, मेरे कोल्ड भी हो गया, थोड़ा सा एलर्जी हो रही है। और अब मैं बना रही हूँ चाय, मैं बना रही हूँ चाय फिलहाल के लिए, 3 बजे दुकान पे चाय जाती है। और अब मैं जाऊंगी कहाँ, सब्जी मंडी, और पता है गाइस इतनी थक गई हूँ मैं, मेरे भी पता है 0% मेरी मंडी जाने की हिम्मत नहीं है। एक तो ये कोल्ड, ऊपर से थक सी गई, एक तो बोलते ना 1-2 घंटे का जो बीच गैप आ जाता है ना, उसमें आदमी थक जाता है। भाई मेरा 11 बजे काम खत्म हो गया था, सूर्य बहुत लेट आया, तो उसी बीच में मैं थक गया, आदमी कंटिन्यू रूटीन से काम करता रहता था, थकता नहीं है। तो चलो मैं एक बार चाय बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो मैं आज मंडी तो नहीं गई क्योंकि इतने ज्यादा थक गए थे हम लोग, बहुत थक गए थे, कोई भी नहीं गया, ना मैं गई, ना रौनक गई, ना भाभी गई, कोई भी नहीं गया। तो मैं आ गई हूँ रौनक के घर,
रौनक के घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि रौनक बना रही है इडली और सांभर। सांभर की खुशबू तो गाइस देखो बहुत अच्छी आ रही है, देखो सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने भी, मेरा भी पेट भरा हुआ है क्योंकि मैंने भी खाना खाया था। आप लोगों को पता, चाय मैं बनाकर फ्री होकर आई हूँ, तो अभी भाभी वगैरह राजा, फिर इसकी इडली को हम पास करते हैं, रिव्यू देते हैं, ठीक है। अभी तड़का लगा रही है, देखो तड़का लग रहा है ना। तेल को धोने देती पहले, तेल तो होने नहीं दिया तूने, तो हो जाएगा। ओ थोड़ी वो आग पकड़ लेगा उबल कर। घर पर आए रौनक के घर पर आया, रौनक के घर पर केला ना मिले, ऐसा कभी हुआ ना, हुआ ना हुआ है ना, शायद कभी ऐसा होगा। तो मैं नाते दो केले खा लिए, रौनक खांसी आने लग गई। बहुत तेज खांसी आने लगी तड़के से। रौनक के घर से है ना व्यू बहुत अच्छा है, तुम लोगों को दिखाऊं मैं, मम्मी देखो व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ से देखो। वाव वाव रौनक यमी। ये कौन सी बात हुई मतलब? नहीं अब दूसरी घर जा गाइस, मैंने इसको ऐसे बोला था कि देख मैं तेरी हेल्प करा देती हूँ, तो सच में मेरे को पकड़ा दिया कि ले तू कर रहा। इसके लगा दी, दूसरे के लगा देखो तू डाल। नॉर्मल हम गीता भाभी को के साथ प्रैंक कर रहे हैं कि गीता भाभी को रौनक फोन करके बोलेगी कि भाभी काजल नहीं आ रही है, अब बताओ मैं क्या करूं, फोन कर। हाँ ऑडियो कॉल करना, वीडियो कॉल नहीं, देखते हैं भाभी क्या बोलती है। हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी गाइज। ये देखो हमारी इडली बन चुकी है और कितनी सुंदर बनी है देखो क्या। और रौनक तो सच में वो इडली बहुत अच्छी बनाती है यार, वाओ यार गाइज नाइस नाइस। पेट भर के इडली खाऊंगी, शाम को खाना खाऊंगी, नित्य इडली खाऊंगी। इडली इडली भाभी भी आ गई, ये रही रौनक, ये बन रही है इडलिया। पोटी पोटी में कोई अंतर कौन तो जा रहा है ना। चलो लग रही है मेरा को। हमारा घर का सामना मत कराइए, मैं तो उठाऊं भी, कोई मेरा पड़ोसी उठावे आगे कर जे। कुत्ता है उधर, देखो सामने कुत्ती बैठी है, उधर करा दे उसके लिए। इधर करा देती हूं तो। ये सब है ना बोलते हैं, ये सब बोलते हैं करा दे। इनके कुत्तों की कौन उठाता है? इनके कुत्ते के खुद ही उठा के ना फेंक के आते हैं, हर जगह कराते नहीं है। मैं भूल गई, जब मैं इसके यहां पे लेकर आ रही थी ना कोको को, तो बॉडी करके ही आया था। तो फिर ये क्यों सूसू करके आया ढेर सारा।
अच्छा सुसु फिर यहाँ पे कर रहा नहीं रहा होगा ना। सुसु नहीं कर रहा था। आ जाओ चलो आ जाओ। जा रहे हैं रौनक के घर से। बाय भाभी। प्रिंस बाय। काय प्रिंस ये रहा प्रिंस। बाय रौनक। बाय बाय। फाइनली हम लोग आ गए। बाकी सब ठीक है। सीढ़ियों पर थोड़ा सा थक जाते हैं और अब मैं आपको सीधा घर जाके दिखाती हूँ। उफ ये सीढ़ियाँ और हैं बस।